गाइस, कल के वीडियो के बाद जो धमाल मचा है हमारी वेबसाइट पे, ऑलमोस्ट सब कुछ तबाही मच गई थी। बट थैंक यू सो मच इतने गजब रिस्पांस के लिए। हम लाइव आए, हमें 3 घंटे में स्टॉक आउट जाना पड़ा। फिर हमने कहा प्री ऑर्डर्स लेते हैं, प्री ऑर्डर्स को हमने कहा कि जब बनेगा तब भेजेंगे, तो लोगों ने कहा इट्स ओके बट हमें टेस्ट करना है वो क्वालिटी। तो 15 दिन का टाइम प्री ऑर्डर्स में लगेगा। जिन्होंने प्री ऑर्डर्स के पहले दिए थे, शुरू के 3 घंटे में इनके ऑर्डर आ गए थे, उनको आज ऑर्डर आज सुबह निकलना शुरू हो गए। एंड आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि कब आएगा। जब भी आपको घी मिले, ज़रूर उसको बताइएगा, रिव्यू डालिएगा, यूट्यूब पर वीडियो डालिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और जो अच्छे होंगे वीडियोज़, उनको मैं शेयर भी करूँगा अपने इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। दैट बींग सेड, थोड़ी सी अपडेट, जो लॉन्च का वीडियो है वो इसके बाद आएगा, कल परसों तक आ जाएगा। प्री ऑर्डर्स अब बंद हो गए हैं, एज यू वॉच 24 घंटे हो गए हमें, तो प्री ऑर्डर्स ही बंद करने पड़े, बिकॉज उतना भी प्रोडक्शन, अब हम सोच रहे हैं कि जो ऑर्डर्स आ चुके हैं उनको कॉन्सोलिडेट करें, उनकी डिलीवरी पर ज़्यादा ध्यान लगाएं। प्री ऑर्डर्स बंद हैं अभी, नेक्स्ट ऑर्डर्स कब खुलेंगे? बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि हमको ऑर्डर मिला नहीं, जब लेने गए तो बंद हो गया था साइट पर। बिल्कुल सही है, 1 हफ्ते बाद ऑर्डर खुल जाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते में उतनी क्वान्टिटी बना लेंगे कि जब हम ओपन करें तो आप लोगों को मिल पाए। तो ये थी अपडेट लॉन्च की। थैंक यू सो मच वंस अगेन इतने ज्यादा प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, मैं जा रहा हूँ। हट जा सामने से भाई, क्रिकेट मैच है। कौन सा हॉर्स राइडिंग कर भाई, क्रिकेट मैच रखा है कि आज घोड़े की सवारी करनी है भाई? देखो कौन से जंगल में, मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ कोई क्रिकेट मैच है भाई। क्या लोकेशन भेजी है भैया? आगे कोई क्रिकेट का मैदान है आगे? अच्छा, धन्यवाद भैया है, चलो शुक्र भगवान। भाई हम लोग मना कर देते हैं कहीं जाने के लिए, जो फैमिली बोलती है वहाँ, अरे बहुत टूटा रास्ता, वहाँ नहीं जाएंगे क्रिकेट के लिए। तो भाई कहीं भी बुला लो भाई, कैसा भी रास्ता हो, यहाँ पे चल मेरी गाड़ी, लेकिन जोश पूरा है अभी भी। यस, टीम सामने पहुंच चुकी है, शायद विपक्षी टीम, हमारी टीम तो लेट ही आती है। 3 hours later बहुत ही गंदा मैच चल रहा, हमारी टीम का नंगा नाच हो चुका है। स्कोर सुन के आपको भी लगेगा 113/8 ओवर 19.1। वो देखो भाई 120 बिना बने आज, मैं तो दूसरे ओवर में आउट हो गया भाई, मैंने बनाया 0। मुझे कितना छोटा हो गया टेंशन के मारे। ये देखो भैया रशी, ये देखो क्या हुआ बाहर में, अभी घर आया हूँ, ये देखो क्या हुआ देखो। अरे बाप रे, अच्छा कोई बैठा नहीं था भैया, ये तो डेंजरस हो चुका है। फिर बैक होम फ्रॉम द क्रिकेट मैच, बहुत ही गंदी तरीके से हारे आज। पीछे देखो क्या गिरा, देखो चॉकलेट खाई है। क्या खाई है? चॉकलेट। पापा के लिए? नहीं, राम पापा की कहा, पापा की कहा, पापा की कहा, पापा की कहा है? पेड़ गिर गई। हाँ पियो, देखो पेड़ गिर गई। पियो चार चीजें पापा करो, चार चीजें करो, चार चीजें करो, चार चीजें गिर गई। पियो आपने क्या, दीदी ने कर दिया। अरे जय पापी, कौन बोलेगा जय पापी को। भाई लोग प्रोटीन की टेस्टिंग करते हैं, आधा किलो मंगवा लेते हैं, हो गई टेस्टिंग, एक स्कूप लेकर दो स्कूप ले लिया, ये 2 किलो का डब्बा फिर आ गया मेरे का, तीसरा डब्बा 2 किलो का, 2 1 किलो के डब्बे। देखिए सारे, जब तक तुम्हारा लॉन्च होगा तुम्हारी टेस्टिंग हम डूब जाएंगे यार। और हमारा उद्देश्य, जब भी नहाएंगे एक जोड़ी जूते अपने धोए। ऑफिस लगा है गर्मी में, ये जूते रख रहा हूँ, तो शाम को अंदर ले लेना। और क्या, चाय कब बनेगी? आपका नाम क्या है? ये क्या किया पीहू, मिट्टी मिट्टी कहाँ से आ गई? क्या है तुम्हारा? ये मेरा ऑफिस है। कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी भी रखा कि अकेले ही काम कर रहे हो? अकेले कर रहे हो? फेंको उसको, ये देखो घर पे क्या आ गया। लुक क्या दे रहा है, चल निकल यहाँ से। माओ ने धक्का दे दिया। कोई बात नहीं माओ। अरे पीहू ऐसी वो समझता ही नहीं है कि थोड़ा गधा टाइप है थोड़ा, ये मैं क्या करूँ। मैं उसको डांट रहा हूँ, उसमें भी पूछ ला रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ बताओ। कर दिया, देखो कितनी अच्छी दीदी है, देखो पता होना चाहिए ना कहाँ पे कूदना कहाँ नहीं कूदना। भूलू रामा, ऑलमोस्ट रेडी, बैग्स आर पैक्ड, हम अभी निकल रहे हैं बैंगलोर। बहुत ही क्विक प्लान बना, 7 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे है। ओ भाई साहब, बच्चों ने क्या गंद मचा, देखो ये देखो क्या मचा दिया बच्चों ने। ओहो भाई, उत्पाती बच्चे में। तो हम अभी निकल रहे हैं बैंगलोर अन अकेडमी के इवेंट में, विच इज आरम 2024। जा रहा हूँ मैं, चलो बाय बाय, कुछ करता हूँ मामा को। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, एंड ऑलवेज ऑन टाइम व्हेन ट्रैवलिंग विदाउट वाइफ। अजीब बात यह है कि रितु अभी लैंड हुई अपनी फ्लाइट से, टर्मिनल 2 में लैंड हुई है, वापस जा रही है, और मैं टर्मिनल 2 में लैंड हुआ, मतलब मैं दिल्ली के बाहर जा रहा हूँ, वो दिल्ली आई है। छोड़ा बैंगलोर का, छोड़ा चाय पियोगी?
चाय तो नहीं पीऊंगा यार। हमें ऐसे रहना चाहिए, अलग अलग ट्रैवल साथ नहीं करना चाहिए। जिस इवेंट में मैं जा रहा हूँ उस इवेंट पे तू कहते मैं नहीं आ सकती, आई एम वेरी बिजी। जहाँ तुझे जाना है हमें अभी 12 तारीख को भी ट्रैवल करना है बैंगलोर साथ में। उस दिन पक्का लड़ाई होगी, आप लोग मार्क कर लो गाइस, और हम भाग ही रहेंगे एयरपोर्ट पे। हम लेट हो गए, हम लेट हो गए, बच्चे को बच्चों को भी जाना है। रशी बताए, रशी कार में पूछती है पापा आज भी भागना है। लेकिन नहीं, असली में जब तुम साथ में ट्रैवल करते तो हम एक इधर हो जाता, एक इधर लड़ाई। मामा को तो बहुत गुस्सा आती है मेरे साथ ट्रैवल करने में। आज कितना प्यार, आज तो सही है, यही वी वांट दिस। भाई बैंगलोर एयरपोर्ट क्या बना, वहाँ पे आईपीएल मैच चल रहा है भाई। चलो हम निकलते हैं होटल। You to share one of your fun moments during your preparation. My fun moments used to be sitting with family having dinner. So it is very important when you are preparing, be close to your loved ones, because there will be a lot of times where I used to feel, and you will also feel that my preparation is not enough. Other students are studying day and night, I'm not doing anything. Stay with your family, stay close with close ones. I think someone who will tell you you have prepared enough, it is just time to go and deliver. That relaxes you a lot. Fun moments, there are some fun moments, but then you are under so much of pressure, wo you are enjoying kar sakte un fun moments ko. But now when I look back, that entire 1 year of my preparation, that was the best year of my life. Exactly. And today, whatever I am because of that 1 year. Reach my room finally. Bed to aisa tayar kare se suha agar mera nahi. थोड़ी सी भूख लग रही है, लेकिन रात बहुत हो चुकी है तो अब खाना नहीं खाएंगे। माई फेवरेट लवाजा कॉफ़ी मशीन। रूम इज नाइस, रूम रेगुलर है, बहुत बड़ा है एक आदमी के लिए वैसे तो। जितना बड़ा बेडरूम नहीं उतना बड़ा तो बात एरिया है, आराम से बैठ। ये मैं होटल में नया चीज़ देख रहा हूँ, बैठ के नहाने वाला सीन है। और भाई ये तो बैठ के होता है। कल मिलते हैं आपसे इवेंट में, अच्छा इवेंट रहेगा आई होप, क्योंकि जहाँ प्रैक्टिस करने गए थे काफ़ी लोग आ रहे। आई थिंक करण जोहर एंड कार्तिक आर्यन आर होस्टिंग, फिल्म फेयर टाइप बना रखा है लोगों ने तो।